प्रियो, परमेश्वर का प्रेम जब हमारे अंदर होता है, हम किस प्रकार के इंसान होते हैं, हम इस बात को जानेंगे। बाइबल बताती है, पहले कुरिन्थियों 13:4-7 तक, प्रेम धीरजवंत है, हर कृपालु है, प्रेम ठा नहीं करता, प्रेम में अपनी बढ़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हाँ प्रियो, जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होता है, आप एक धीरजवंत व्यक्ति बन जाते हैं। उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी आपके अंदर नहीं होती, आप धीरजवंत हो जाते हैं, आप संयमी हो जाते हैं, आप पेशेंस वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आपका हृदय कृपा से भर जाता है सभी मनुष्य के लिए, चाहे वो आपकी पहचान के हो या वो आपके लिए अनजाने हो। इवन बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा हमें अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। यदि हमारा शत्रु भूखा हो तो हमें खाना खिलाने की आज्ञा मिली है, यदि प्यासा हो तो पानी पिलाने की आज्ञा मिली है। यह हमारे परमेश्वर का नेचर है। जब उसका प्रेम हमारे अंदर आता है, हम सभी इंसानों के साथ कृपालु हो जाते हैं, फिर हम नफरत नहीं करते, अपनी बड़ाई नहीं करता। वो व्यक्ति जो ईश्वर के प्रेम से भरा होता है, वो हम्बल हो जाता है, नम्र हो जाता है। वो दूसरों को तो एहसास करा देगा कि वो बहुत महान है, पर अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता। वो फूलता नहीं, अहंकारी नहीं होता, घमंडी नहीं होता, सब बातें सह लेता है, अपने विरोध में हर एक प्रकार की बुराई को, हर एक प्रकार के दोष को सह लेता है, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड्स माइटी लव। सब बातों की प्रतीति करता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बातों में आशा रखता है, धीरज धरता है, द नेचर ऑफ गॉड। पर यह परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर इसी प्रेम से आपको भरना चाहते हैं। सी, इसी प्रेम की वजह से परमेश्वर ने इंसानों से अपना रिश्ता टूटने से बचाया। बाइबल बताती रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हम तो पापी थे, पाप के कारण ईश्वर के जीवन से अलग किए हुए थे, मगर क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता था, वो प्रेम जिसका सोता परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, उस प्रेम के द्वारा उसने टूटे हुए रिश्ते को बचा लिया। हमारे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। यस, ही डाइड ऑन द क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। उसने हाथों और पांव में कीलों के निशानों को सहा, सर पर कांटों का मुकुट पहना, सीने पत्थर का भाला खाया, खून और पानी हमारे प्रभु ने क्रूस पर बहाया, उसने अपनी जान दे दी। ये उसके प्रेम का चिन्ह था, उसके प्रेम में जो उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। प्रेम की वजह से उसने हमारा रिश्ता अपने साथ बनाए रखा। ब्रदर सिस्टर, मैं विश्वास करता हूं इस संदेश के पहले भाग को सुनकर आपने आशीष पाई है। अगले सप्ताह हम जानेंगे परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, जो संसार में लोगों ने पाप के खातिर खो दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रेम के विषय में एक संदेश इन्होंने सुना। इस संदेश के द्वारा आप इनका मार्गदर्शन करें, प्रभु होने दें, अपने जीवनों को जांचें, अपने आप को परखें प्रभु, कि ये सिद्ध प्रेम से भरे हुए हैं या संसार के स्वार्थी प्रेम से। अपने जीवन को जांचे प्रभु और जान ले कि इन्हें आपके सिद्ध प्रेम की आवश्यकता है। हाँ जी प्रभु, आप इनके मन को बदल दें, सारी कठोरता दूर कर दें, आप इनके पाप क्षमा करें, इन्हें नई सृष्टि बनाए, इनके चमत्कार को करें प्रभु, आपका सिद्ध प्रेम इनके अंदर सारे भय को समाप्त कर दे प्रभु। जो कोई भी अपने जीवन के जिस किसी क्षेत्र में निराश है, परेशान है, लज्जित है, असफल है, mercy upon them and do great miracles in their life। आप इनके जीवन में चमत्कार को करें, इनके आत्मा प्राण देह में चंगाई आ जाए प्रभु, स्वस्थ जीवन आ जाए, आशीष आ जाए प्रभु, चमत्कार कीजिए इनके लिए।
ये आपके संतान है प्रभु, अपने मधुर प्रेम में इनकी अगुवाई कीजिए और हर एक प्रकार की कड़वाहट दूर कीजिए, संसार के स्वार्थी प्रेम से आजाद कीजिए, आपके अद्भुत प्रेम से इनको भरकर इनका मार्गदर्शन कीजिए। Let them have life and joy all the time in Jesus name। आप इन पर कृपा करें प्रभु। धन्यवाद, अपनी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। ब्रदर सिस्टर, यू आर ब्लेस्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।